तीन राज्यों की सीमा से सटे शिवालिक पर्वतमालाओं की तलहटी में बसे यमुनानगर में खनन माफियाओं की गतिविधियां अक्सर सामने आती रहती हैं। मेवात में डीएसपी को जान से मारने के बाद यमुनानगर में भी खनन माफियाओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। तीन दिन पूर्व जब खनन जोन में डीएसपी बिना नंबर के पत्थरों से भरे डंपर का पीछा कर रहे थे तो डंपर चालक ने डंपर में लदे पत्थरों को सड़क के बीचों बीच पलट दिया था ताकि डीएसपी उसे पकड़ ना सके। इस घटना में डीएसपी और उनका रीडर बाल बाल बचे थे। यमुनानगर के छछरौली थाना क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा डीएसपी नरेंद्र खटाना को रोकने के लिए ओवरलोडेड डंपर से सड़क पर पत्थर फेंक कर रास्ता रोकने की यह घटना पूरे क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई थी और इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही थी। डीएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न धाराओं में डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। यमुनानगर के पुलिस कप्तान मोहित हांडा ने बताया कि खनन जोन में अवैध गतिविधियों को लेकर पुलिस सख्त है और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने विशेष प्लान बनाया है। उन्होंने कहा कि डीएसपी की राह में पत्थर गिराने वाले आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वाले अन्य लोगों को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उसको एनालाइज करना, उसको रिव्यू करना, वो सब करके हमारी कोशिश यही रहेगी कि इल्लीगल माइनिंग को जो है वो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस संबंध में भी जैसे आपको पता होगा कि FIR दर्ज की गई थी, जो CM फ्लाइंग एजेंसी है इसके द्वारा भी रादौर थाने में जो है वो FIR दर्ज करवाई गई थी और लगातार जो है वो यही प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से चूँकि इनकी भी कोशिश यही रहती है कि उसमें उसको कवर किया जाए, ऐसे कार्यों को ढांपा जाए, तो कुछ व्यक्ति जो मौके पे गिरफ्तार हुए थे और बाकी भी जो व्यक्ति हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन और जो टेक्निकल हमें बहरहाल अवसरों की रेखी करने वाले लोगों के साथ यमुनानगर के खनन जोन में अवैध गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे माफिया और अन्य लोगों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने जहां इन पर नकेल की जबरदस्त प्लानिंग की है, वहीं डीएसपी की राह में डंपर गिराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SP यमुनानगर ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।